यौन शोषण मामले दे विच लंबे समय तो रेस्लर्स वालों जो प्रदर्शन किया गया जंतर मंतर दे विच इस तो इलावा उन्होंने कहा कि जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती है तद तक उन्होंने अंदोलन जारी रहेगा। हालांकि खबर आ रही थी जिथे कि कहा जा रहा है कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने अपना नाम जो वापस लिता है, हूँ उन्होंने क्लीयर कर दिता है कि उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। उन्होंने खारिज करता है सारी खबरों जी कि कह रहे हैं कि उन्होंने जोड़ा है अपना इस अंदोलन तो नाम वापस लिता है। साक्षी मलिक ने ट्वीट करके कहा कि एक गलत खबर है, अजिहे खबर ना चलाई जान। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ क्योंकि रेलवे के प्रति भी जी है मेरी एक जिम्मेदारी है। अपनी नौकरी पर मैं जरूर वापस आई हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असी संघर्ष जोड़ा है वो छड़ दिता है। असी अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तो गिरफ्तारी नहीं होएगी। इस तो इलावा बजरंग पुनिया ने भी अपना स्टेटमेंट जोड़ा है ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है। तो ट्वीट करके उन्होंने कहा कि गलत अफवाह फैलाइया जा रही ने, खास करके जोड़ा आंदोलन है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस करके वख वख खबर जी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया से, लेकिन असी दस देना चाहते हैं कि साडा संघर्ष जारी रहेगा जब तक साडी मंगा ते गौर जी केंद्र सरकार नहीं करती। इस तो इलावा उन्होंने ये भी दसिया कि जेकर साडी मीटिंग हुई है अमित शाह गृहमंत्री के नाल ते वो मीटिंग एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन सी, उस विच कुछ भी अजिहा नहीं सीगा कि असी अपना अंदोलन वापस लेनी। उन्होंने कहा कि जी जिम्मेदारी सानू सरकारी दायित्व के तौर पर निभानी चाहिए है क्योंकि असी नौकरियां भी कर रहे हैं नाल ते वो असी करन आए ने, इसका मतलब ये नहीं है कि असी किसी भी तरीके दे नाल इस अंदोलन तो अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो उन्होंने इन सारी खबरों का जोड़ा है वो खंडन किया है। जी देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार दो तीन दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूँ। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं, और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार तीन दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं। आपको क्या लगता है कौन इस तरह की कोशिश कर रहा है कि ये खबरें फैला रहा है? क्योंकि आज भी खबर आई कि नाबालिग लड़की ने वापस ले लिया, साक्षी मलिक का ये मामला, कई सारी चीजें चल रही है साथ साथ। जी देखिए, यही है कि हम जब तक अपने डिसीजन पे जो हम पहुंचने जा रहे हैं इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए, उस डिसीजन को प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। लेकिन हम जो है लगातार डटे हुए हैं, आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको जल्द बता दी जाएगी। क्या सर, आगे की रणनीति अब क्या बनेगी? क्या दिल्ली पुलिस ने कोई जगह आपको अलॉट किया है आंदोलन करने के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो हमारे साथ किया है वो पूरे देश ने देखा है, पूरा देश उसके खिलाफ है। हमारे साथ तो हमारा जो सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो अपना अगला कदम और मजबूती के साथ उठाने जा रहे हैं। ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि गृह मंत्री के साथ मुलाकात करनी पड़ी, अगर उस पर आप अगर रोशनी? देखिए, लगातार मुलाकातें हमारे कोचिज की भी और उनसे बातें चलती रहती है। हमारा कोई समझौता हुआ नहीं है, ना हम किसी भी निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं। ऐसे तो लगातार बातें जो भी है वो चलती रहती है, लेकिन हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। थैंक यू सर।